क्या आपको ICICI बैंक का ATM कार्ड का पिन जनरेट करने आता है? नहीं आता है तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बताया हूँ कि किस तरीके से आप ICICI बैंक ATM के पिन को जनरेट करेंगे, वो भी अपने मोबाइल से घर बैठे। तो सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप ICICI बैंक का जो ATM कार्ड होता है उसका पिन कैसे जनरेट करेंगे, वो भी मोबाइल से घर बैठे। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, अपने मोबाइल को ओपन कीजिएगा और आपको प्ले स्टोर में टाइपिंग कर देना है ICICI बैंक। तो आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा, आई मोबाइल बाय ICICI बैंक। आपको सिंपली क्या करना है, पहले इसको फिर इंस्टॉलिंग कर लेना है। चलिए मैं इसको इंस्टॉलिंग कर लेता हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ये जो 64.62 MB का है, ये जैसे ही इंस्टॉलिंग होता है तो मैं इसको आपको ओपन करके दिखाऊंगा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो ओपन होकर आ गया ऑप्शन। सिंपली आपको क्या करना है, इसको ओपन कर लेना। चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे बोल रहा है अलाउ के परमिशन, चलिए हम यहाँ से अलाउ कर लेते हैं। इसके बाद दोबारा से यहाँ से हम अलाउ कर लेते हैं। इस पर कुछ इस तरीके से ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि ICICI बैंक रेडी टू योर टुमोरो रेडी फॉर यू। तो चलिए सिंपली ये देखिए ओके हो चुका है। आप देख रहे हैं कि ICICI बैंक का योर बैंक इज एन ऐप। चलिए सिंपली यहाँ पर हम कंटिन्यू कर देते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कुछ इतना सर्विस आपका जो प्रोवाइड किया जा रहा है, तो चलिए सिंपली हम यहाँ से फिर से कंटिन्यू कर देते हैं। अब देख रहे हैं कि आपका ये जो डिस्काउंट वगैरह है कुछ इस तरीके से, चलिए हम यहाँ से ओके कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कि आपका जो कुछ इस तरीके से ये शो होके आ रहा है। तो यहाँ से चलिए यहाँ पर कुछ इंस्टा अकाउंट, सैलरी अकाउंट, मिनी अकाउंट का ऑप्शन है, यहाँ है लेट्स गेट स्टार्ट। हम सिंपली इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करते हैं, कुछ इस तरीके से ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ बोल रहा है इंटर रेफरेंस और यहाँ एक्टिव नाउ, तो चलिए हम यहाँ एक्टिव नाउ पर ओके कर देते हैं, क्योंकि मेरा सिम इसी मोबाइल में लगा हुआ था, ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। अगर आपका दो सिम होगा तो आपको इसमें सिम चूज करना पड़ेगा, 1, 2। मेरा इसमें एक ही सिम है, देख रहे हैं, तो सिंपली यहाँ पर ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये ऑलरेडी मोबाइल को डिटेक्ट कर लिया है और यहाँ पर देख रहे हैं कि मोबाइल नंबर इज वेरीफाई। तो सिंपली आपको यहाँ पे 4 डिजिट का कोई पिन चूज कर लेना है और दोबारा से पिन यहाँ पे आपको डाल के यहाँ पे सबमिट कर देना है। चलिए हम यहाँ से हम अपना पिन चूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं अपना पिन चूज कर लिया हूँ, 4 डिजिट का, आप भी चूज कर लीजिएगा। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। सबमिट करते हैं कुछ इस तरीके से ये ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा, आप देख रहे हैं। तो सिंपली यहाँ से ओके कर दीजिए। अब ओके करने के बाद यहाँ पूछा जा रहा है कि आपके पास डेबिट कार्ड है या यूज इंटरनेट बैंकिंग या यूजर आईडी या पासवर्ड है, तो इस वाले सिक्योरिटी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है सिंपली ये ऑलरेडी सेलेक्ट है, इसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको प्रोसीड पर ओके कर देना है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके पास EFR L का आपको जो इस कोड है वो कोड का उसको नंबर डाल के यहाँ पर आपको एक्टिव करना पड़ेगा। चलिए यहाँ नंबर डाल लेते हैं। तो मेरे पास ये कोड है, यहाँ देख रहे हैं कि ये मेरा डेबिट कार्ड है और ये आप देख रहे हैं कि ये मेरा कार्ड है। तो ये मेरा कार्ड हो गया और इसके पीछे मेरा ये जो है नंबर आ गया, ये देखिए मेरा नंबर है। जो आपको पूछा जा रहा है कि ई में आपके क्या है, तो जो ई में है आप जो देख रहे हैं कि ई में है मेरा 74 है, तो आपको 74 डालना है। एफ में क्या है, तो यहाँ पर देख लीजिए कि आपका एफ में कहाँ है, तो यहाँ से मेरा एफ में 05 है, आप 05 डाल देना है। इसके बाद यहाँ एल में कितना है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एल में मेरा 54 है, तो आपको यहाँ पे एल पे 54 डाल देना है। चलिए सिंपली से यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से आप अपना जो कार्ड में है नंबर वो डाल के अपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। जैसे यहाँ मेरा ई में 74, तो यहाँ 74 इस तरीके से आपको एफ और एल का चूज कर लेना है। तो नंबर डालते ही आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा, यहाँ पर एक्टिव कर देना है। जैसे एक्टिव करिएगा तो कुछ इस तरीके से ये ओपन होकर आपका आ जाएगा।
तो आप देख रहे हैं कि यहाँ दिख रहा है कि ट्रांजेक्शन लिमिट फर्स्ट 24 घंटे में आपको बोल रहा 10,000 आपको अपना जो अकाउंट में उसमें आपको डालना पड़ेगा। और मेरे पास एक मैसेज भी आ गया है, तो मैं आपको मैसेज को भी ओपन करके आपको दिखा दूँगा। चलिए इसको हम यहाँ से ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से टर्म एंड कंडीशन आ जाएगा। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्रेडिट UPI ID या स्किप या ID नहीं, मैं यहाँ से स्किप कर लेता हूँ। इसको स्किप करने के बाद यहाँ पर गोल्ड पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ढेर सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ देख रहे हैं कि स्टेटमेंट ID क्या है, चलिए मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। ये इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका जो व्यू पर अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। यहाँ क्रेडिट UPI ID है तो यहाँ से आप दे सकते हैं। यहाँ अपना स्टेटमेंट को देख सकते हैं। यहाँ डेबिट कार्ड का भी क्लिक करके डेबिट कार्ड कितना बैलेंस है वो देख सकते हैं। यहाँ सर्विस पे क्लिक करके जो भी सर्विस है वो आपको दे सकते हैं। यहाँ आपका माई सेविंग अकाउंट आ गया और आपका ये अकाउंट नंबर है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइए। नीचे आने के बाद यहाँ देखिए कि आपको बहुत सारा ऑप्शन है जो आपको फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बिल पेमेंट, रिचार्ज कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, अकाउंट का माई अकाउंट का ऑप्शन है। यहाँ पर अपना अकाउंट को भी मैनेज कर सकते हैं। मी पे जाके अपना होम पे चल जाइएगा। यहाँ न्यू ऑफर है, अपना ऑफर यहाँ चेक कर सकते हैं। और सर्विस में जाकर यहाँ जो भी सर्विस है वो आपको देख सकते हैं। तो ऑफर में नया नया ऑफर आता रहता है वो आपको चेक कर सकते हैं। सिंपली स्टेटमेंट पर मैं क्लिक करता हूँ। स्टेटमेंट जैसे क्लिक कीजिएगा आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे अकाउंट नंबर दिखा रहा है और आपका जो भी लिमिट होगा वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। देख रहे हैं कि लास्ट 10 ट्रांजेक्शन आपको शो करेगा। और यहाँ डिलीटेड स्टेटमेंट पर डिलीट भी कर सकते हैं और मोर ऑप्शन जाकर और भी यहाँ से अपना जो स्टेटमेंट है वो देख सकते हैं। डेबिट कार्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ डेबिट कार्ड के लिए और भी ऑप्शन देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए आपका डेबिट कार्ड यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद यहाँ पे आप कार्ड ब्लॉक भी कर सकते हैं, पिन जनरेट कर सकते हैं, ऑफर यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे CCV नंबर का शो करके यहाँ CCV नंबर देख सकते हैं और कॉपी कार्ड नंबर पर करके अपना कार्ड का नंबर और कॉपी भी कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि डेबिट कार्ड लिमिट स्टेटमेंट, जो यहाँ से आप इसका लिमिट स्टेटमेंट भी देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे यहाँ देख रहे हैं कि रिवॉर्ड पॉइंट है, तो इस पर जाकर जो भी आपका रिवॉर्ड पॉइंट होगा वो आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए सिंपली इसको आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से आपको क्लिक करने के बाद आपका रिवॉर्ड पॉइंट यहाँ पर जो शो हो जाएगा, तो आप यहाँ से आप रिवॉर्ड पॉइंट भी इसको देख सकते हैं। इसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, इस पे इसको स्वैप कीजिएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि अप्लाई न्यू फॉर क्रेडिट कार्ड, तो यहाँ से आप अपना क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सर्विस भी जाके बहुत सारे यहाँ से सर्विस इसका देख सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि अकाउंट सर्विस है, तो फिर अकाउंट सर्विस देख सकते हैं। क्रेडिट कैश विड्रॉल का देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कार्ड सर्विस है, तो यहाँ कार्ड सर्विस देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ कार्ड पिन सर्विस है, तो यहाँ कार्ड पिन का सर्विस भी आप देख सकते हैं। चेक बुक सर्विस भी देख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे सिंपली आपको देख रहे हैं कि कार्ड पिन सर्विस है, तो यहाँ कार्ड पिन सर्विस को हम क्लिक, कार्ड पिन सर्विस को हम इस पर क्लिक कर लेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको सामने कुछ इस तरह से ओपन होकर आएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि आप डेबिट कार्ड पिन जनरेट करना चाहते हैं या क्रेडिट कार्ड पिन जनरेट करना चाहते हैं। तो हम डेबिट कार्ड पिन क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरा डेबिट कार्ड का है, तो मैं इसको डेबिट कार्ड का पिन जनरेट करूँगा। चलिए मैं सिंपली डेबिट कार्ड पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे क्लिक कीजिएगा वो कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ इस तरह से ऑप्शन आ रहा है, आपको यहाँ पर ओके कर देना है। चलिए मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो सिंपली यहाँ कार्ड पर आप क्लिक की ओके कीजिए। यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका जो कार्ड नंबर है, अकाउंट नंबर, वो आपको यहाँ डालना है। यहाँ CCV डालना है। यहाँ कार्ड का जो 4-digit का पिन आप रखना चाहते हैं वो आपको डालना है। और जो इसके बाद जो पिन आप यहाँ पर रखेंगे अपना पासवर्ड जिसको डेबिट कार्ड का, उसको दोबारा से यहाँ पर कन्फर्म कर देना है। एक यहाँ डालना है, अब जो ही वहाँ यहाँ डालेंगे उसको दोबारा से यहाँ डाल के इसको सिंपली यहाँ पर आपको क्या करना है, कन्फर्म कर देना है। चलिए हम यहाँ से डाल लेते हैं। तो यहाँ से आपको ये अकाउंट नंबर यहाँ से आपको चूज़ कर लेना है। चलिए मेरा अकाउंट में यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद सिंपली CCV डालना है। यहाँ पे कार्ड नंबर आपको डाल दीजिए, जो भी कार्ड नंबर अभी आपका है तो वो कार्ड नंबर यहाँ डाल देना है। CCV डालना है। इसके बाद पिन डाल के इसको सबमिट कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ सब कुछ डाल चुका हूँ। जो इसको डालने का सिंपली आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। चलिए मैं यहाँ से इसको सबमिट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरे पास मैसेज आ चुका है जो आपका पिन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। और यहाँ पे देखिए कि पिन हैज बीन जनरेट सक्सेसफुली। तो ये इस तरीके से आप आपका पिन जो है सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा। सिंपली इस पर आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे हम ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद देखिए आप कुछ को आपका कुछ इस तरीके से ये आपका पिन जनरेट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं चेकबुक पर जाकर अपना चेकबुक के लिए भी यहाँ से आप चेकबुक का स्टेटस भी यहाँ देख सकते हैं। स्टॉक चेकबुक के लिए कर सकते हैं या इशू चेकबुक के लिए यहाँ से ये अप्लाई कर सकते हैं आप।
इसको ऑफर देखने के लिए आपको क्या कीजिएगा, सिंपली यहाँ से अपना ऑफर भी चेक कर सकते हैं। चलिए हम ऑफर भी आपको दिखा देते हैं, जिसे इस पर क्लिक करेंगे जो भी ऑफर चल रहा होगा वो इस तरीके से आपके सामने ऑफर आ जाएगा। और नीचे भी देख रहे हैं कि आपको क्या क्या ऑफर है, क्या डिस्काउंट चल रहा है, वो आप सबको यहाँ पे आपका शो कर देगा। और नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएगा, यहाँ नीचे भी आपका इस तरह से ऑफर आपको शो कर देगा। तो सिंपली यहाँ से सिंपली हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद इसके बाद सिंपली आप क्या कीजिएगा, यहाँ देख रहे हैं सर्विस, सर्विस जो जाने के बाद बहुत सारा है जो आप यहाँ से कुछ कर सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि पिन जनरेट आपको हो ही चुका है। यहाँ देख रहे हैं सर्विस कार्ड, तो आप सर्विस पर आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ देख रहे हैं कि आप जो ब्लॉक अनब्लॉक डेबिट कार्ड भी कर सकते हैं, यहाँ ब्लॉक डेबिट कार्ड कर सकते हैं, मॉडिफाइड डेबिट कार्ड कर सकते हैं, इशू डेबिट कार्ड कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा जो आप डेबिट कार्ड को यहाँ से इसको कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका लॉग इन पिन है, तो अगर उसको चेंज करना चाहते हैं तो टूल्स पर जाइएगा, जैसे टूल्स पर क्लिक कीजिएगा। टूल्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ देख रही है कि चेंज लॉगिन पिन, तो अपन लॉगिन पिन जो शुरू में डाले थे उसको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ रिफंड क्रेडिट कार्ड कर सकते हैं और रिफ्यूज फंड भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से अपना कार्ड को मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ थ्री डॉट पर जाकर यहाँ से अपना होम पर जाइएगा, यहाँ पर देखा आप लाइफ पासबुक और कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट अस, तो यहाँ से भी अपने पासबुक का यहाँ इस तरह से देख सकते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पासबुक पर, पासबुक को क्लिक करते हैं आपको सामने ये आपका पासबुक का पूरा सैमरी है यहाँ पर आ जाएगा, स्टेटमेंट वगैरह यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास पूरा सैमरी आ जाएगा। चलिए यहाँ से हम सिंपली यहाँ से हम इसको बैक आ जाते हैं। देख रहे हैं कि इसके बाद सिंपली यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर है इंस्टा इंश्योरेंस, इस पर जाकर और भी यहाँ पर देख रहे हैं कि इंश्योरेंस वगैरह यहाँ से आप कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर आप और भी जो रेल का टिकट है, डोनेट है, होटल है, फ्लाइट बस, यहाँ से बहुत सारा चीज़ अब यहाँ से बुक भी कर सकते हैं। सुबह बहुत ही सुबह इसी तरीके से आप इंटरनेट पे आप अपने मोबाइल पे ऐप से बहुत ही आसानी से आप जो डेबिट कार्ड का पिन जनरेट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डियर कस्टमर योर डेबिट कार्ड पिन हैज बीन सक्सेसफुली, अगर यहाँ बोल रहा है कि अगर आपका पिन सक्सेसफुली आपका नहीं रिसेट हुआ है तो आपको बोल रहा है प्लीज़ कॉल कस्टमर केयर इमीडिएटली। तो मैं तो सक्सेसफुली हो गया है, अगर आपका नहीं हो पा रहा है तो आप कस्टमर केयर से बात करके अपना पिन को जनरेट कर सकते हैं। तो ये भी जो मैसेज आया हुआ जो सक्सेसफुली हुआ है तो इसका मैसेज आया हुआ, तो आप इसी तरीके से बहुत ही आसानी से आप अपने मोबाइल से ही अपना जो पिन डेबिट कार्ड है क्रेडिट कार्ड है उसका पिन जनरेट कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन घर बैठे। सो आज देखा इसी तरीके से बहुत ही आसानी और सिंपल तरीके से आप ICICI बैंक के ATM के पिन को बहुत ही आसानी से आप जनरेट कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।